बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग गुमला के संयुक्त तत्वाधान में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड अभियान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आज उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने आईटीडीए भवन परिसर से डायन बिसाही उन्मूलन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने डायन प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि डायन बिसाही एक ऐसी कुप्रथा है जिससे देश राज्य व गुमला जिला भी अछूता नहीं है। ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने की काफी आवश्यकता है, साथ ही सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। गुमला जिला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। झारखंड में पूरे प्रदेश में इसका प्रकोप है और गुमला जिला भी इससे अछूता नहीं है। ये जो है गरीब तबके के लोगों को, खासकर महिलाओं को, कहीं समाज में कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर में इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये डायन है, ये भी सही है और ये मेरे परिवार को ये नुकसान पहुँचाए। तो इसी कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। लोगों को गांव-गांव में जाके, टोलों में जाके लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी घटना दुर्घटना होती है ये प्रकृति का नियम है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं होता है और इसी के संबंध में लोगों को जागरूकता फैलाया जाएगा, लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। ये वाहन पूरे जिले प्रखंडों में 12 प्रखंडों में घूमेगी और सभी गाँवों को टच करेगी।